हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में ना? आज हम चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात का अभ्यास करेंगे, जो एक यात्रा वर्णन है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यात्रा वर्णन के लेखक है मोहन राकेश। उनका जन्म सन 1925 में पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। विद्यार्थी मित्रों, कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं कि अगर स्वर्ग की कोई व्याख्या की जाए तो हम कश्मीर में चले जाए, कश्मीर के कोई भी हिस्से में हम जाए तो हमें वो स्वर्ग ही लगता है। तो आइए देखिए गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यात्रा वर्णन। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी भी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी होती जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। लेखक पहली बार गुलमर्ग जाने पर कुछ भी आकर्षक उसको नहीं लगता था, बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार के वृक्षों के घने झुरमुट। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई। उसे लगने लगा जैसे वहाँ भी सपाट मैदान का हिस्सा हो गए हैं। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है।
गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुक्त होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है, हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुन्य ही धुंध है और बेबस होकर फैली पंखदंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं, सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती ही आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौनती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियां पतली पतली बाहें जैसी दिखाई देती है। सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियां भर जाती है। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़े थे, तब उनको एक अविस्मरणीय अनुभव हुआ।
दूर सामने से एक बरसाती घटा उसकी ओर बढ़ती आ ही रही थी। लेखक चाहते थे कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की यह इच्छा पूरी न हो पाई। अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते थे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ हर रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यात्रा वर्णन? मैं आशा रखती हूँ कि आप